जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 10 लैक्स, तो 10 लैक्स में इससे पहले क्या आता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट आंसर, जब हम 10 लैक्स में से 1 माइनस करेंगे तो इसका बिफोर आ जाएगा, तो यहां से कैरी करेंगे 10 हुआ, 10 से बन जाएगा 9 और इन सब जगह 10 10 हुआ, तो जब 10 हुआ तो 10 ने इससे कैरी लिया तो यहां सब जगह 9 9 आ गया, तो यहां 9 यहां 9 यहां 9, ओवरऑल ये 9 9 आ गया। सेकंड क्वेश्चन इज दिस, द सक्सेसर ऑफ -111 इज शोन एज ब्लू, तो जो तुम्हें दिखाया गया है इसका हमें सक्सेसर निकालना है। अब -111 माइनस में है तो हम सक्सेसर निकालने के लिए एक क्वांटिटी आगे चलते हैं, जब आगे एक क्वांटिटी चलेंगे तो हमें इसकी वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें इसका सक्सेसर मिल जाएगा। माइनस, जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, तो -111 में 1 प्लस करेंगे तो -110 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15/18 इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, 15/18 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है। दूसरे रूप में अगर हम बात करें तो इसकी ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इसको रिड्यूस्ड करो, रिड्यूस्ड करके जो वैल्यू आएगी वो इस 15/18 के ही इक्वल होगी, तो 15/18 को हम रिड्यूस करेंगे 3 की टेबल से, 3 5 15, 3 6 18, इक्वल टू आर आंसर विल बी 5/6। देन क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 प्लस -1/2, अब आगे स्मॉल ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस विल बी माइनस, देन 1/3 -1/2 इक्वल, अब इन दोनों 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो यहां हमें एलसीएम कंप्लीट करने के लिए 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जब 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर इसके न्यूमेरेटर्स में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 1 × 2 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डिनोमिनेटर्स में 2, 2 में 6 कंप्लीट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके न्यूमेरेटर्स में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ होता है 1 × 2 माइनस 1 × 3, 2 × 2 माइनस 1 × 3, 3 × 3, तो 2 − 3/6, अब यहाँ पे माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस आ जाएगा और 2 − 3 बना जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और सेम साइन प्लस होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता या यहाँ पे माइनस होता तब हम इन दोनों को ऐड कर देते, लेकिन इसका साइन प्लस है 2 का और 3 का साइन माइनस है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, तो माइनस का 1/6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, सिंप्लीफाई 4 × 10 प्लस -12, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस मिल जाएगा, तो 4 × 10 −12, 10 − 12, यहाँ पे भी वही बात है एक प्लस और एक माइनस, तो इस कंडीशन में हम इसको सेपरेट कर देंगे, हमारा आंसर मिलता है -2, 4 × -2, और 4 × 2 = 8, लेकिन जो अब यहाँ पे साइन की मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो जो सेम साइन होते हैं, सेम साइन, तो सेम साइन की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो प्लस मिलता है, चाहे वो माइनस हो या यहाँ पे माइनस माइनस है तो इसकी मल्टीप्लाई प्लस मिल जाएगी, अगर हम अपोजिट साइन की बात करें जैसे एक प्लस और दूसरा माइनस तो माइनस ही मिलेगा, चाहे माइनस पहले हो या बाद में हो, हर कंडीशन में हमें माइनस ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब सेम साइन दिखे मल्टीप्लीकेशन में तो हम प्लस मिलेगा आंसर में, और माइनस या अपोजिट साइन मिले तो हमें माइनस लेना है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 4 × -8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, ऐड करना है, ऐड 2 + 3 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हमें 2 और 3 प्लस करना है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो हमने क्या काम करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन में चूंकि हमें दोनों डिजिट्स होती हैं, एक पॉजिटिव डिजिट्स और नेगेटिव डिजिट्स, तो इसके मिडिल में 0 होता है,
तो हमें यहाँ पे सब जो भी डिजिट दी हुई है वो प्लस में है, तो इसलिए माइनस की डिजिट को हम थोड़ा बहुत राइट कर लेंगे, ज्यादा नहीं राइट करेंगे। और यहाँ पे प्लस की डिजिट का काम है, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें 2 + 3 ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 0 से काउंट करेंगे 1, 2, तो ये हमारा 2 काउंट हो गया। फिर 2 के बाद में 3 प्लस करेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 काउंट हो गए। तो ओवरऑल हम पहुंचे कहाँ पे, 5 पे। तो इसलिए हमने जब 2 और 3 को प्लस किया तो हमारी कंडीशन आ गई 5 पे, हम 5 पे रीच हो गए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 × 10,000, 0 × 1,000, 8 × 100, 0 × 10 प्लस 7 × 1। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता 30,000। किसी नंबर की अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 मिलता है। 8 × 100, जब किसी 100 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मिलेगा, यहाँ पे मिलता हमें 0, क्योंकि किसी डिजिट में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 मिलता है, 7 × 7 आ गया। इन सबको ऐड किया तो 30,807 आ गया। इसके बाद हमारा है राइट इन रोमन्स, 45 को रोमन में राइट करेंगे, 40 को राइट करते हैं एक्स एल और 5, ये आ गया हमारा 5। उसके बाद 81 को राइट करते हैं एल, चूंकि पहले 50 को राइट करते हैं एल और 3 और आगे 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 30 प्लस होता है, तो 3x लगाएंगे, यानी 80 जो हो गया हमारा एल ट्रिपल एक्स और 1, तो हमने 1 लगा दिया। इसके बाद में 105, 100 को सी लिखते हैं, 5 हमारा ही आ गया। अब ये रीअरेंजिंग सेंटेंसेस थे, सबसे पहले ए बॉय एम आ, तो हमने सब्जेक्ट को पहले राइट किया, फिर हेल्पिंग बार, फिर ऑब्जेक्ट लिया, तो ये हो गया हमारा आई एम अ बॉय। दूसरा हमारा क्वेश्चन था ही टीचर इज अ, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग बार हमारा इज है, आ टीचर ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही माई इज नेम इमेजिन इंटरनेशनल स्कूल, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है माई स्कूल, नेम इज हेल्पिंग बार, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इमेजिन इंटरनेशनल स्कूल। इसके बाद हमारा ये आता है एट होम स्टे लॉकडाउन इन, स्टे एट होम इन लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज नॉट, सी नॉट सिस्टर इज माय, तो इसमें सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, तो सी इज नॉट माय सिस्टर। यहाँ पे तुम्हारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी वर्कशीट को मैच कर लें, कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं।